हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीपिकास किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ होली स्पेशल रेसिपी, सूजी के मालपुए। बहुत ही आसान है बनाना, तो आइए देखते हैं मेरे इस वीडियो में। मैंने यहाँ पे एक कप सूजी ले लिया है और यहाँ पे मैंने हाफ कप गेहूँ के आटे ले लिया है, हाफ कप मैदा ले लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने मलाई ले लिया है, 1 टीस्पून सौंफ और 1 कप मिल्क ले लिया है। अभी मैंने यहाँ पे एक मिक्सिंग बोल ले लिया है, इसमें मैं सूजी ऐड कर रही हूँ। गेहूं के आटे, मैदा, 2 टेबलस्पून में चीनी ऐड कर रही हूँ, 1/4 स्पून में बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 पिंच सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, सौंफ ऐड कर रही हूँ, मलाई ऐड करके मैं इन सारे चीजों को अच्छे से मिला लेती हूँ। मैंने जो मिल्क रखा है ये मैंने गुनगुना गरम दूध लिया है, ज्यादा गरम नहीं है, गुनगुना है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर रही हूँ। मैं मिक्स कर लेती हूँ अच्छे से। बचा हुआ दूध है वो भी ऐड करी, ये मैं अच्छे से मिला रही थी। मैंने यहाँ पे 1 कप दूध दे दिया है पूरा, तो अच्छे से मिला लेती हूँ। अभी मैं इसको ढक के 15 मिनट के लिए ऐसे ही रख दूंगी साइड में। मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी ले लिया है और जिस कप से चीनी ले लिया है उस सेम कप से मैं 2 कप पानी ऐड कर रही हूँ इसमें। अभी हमें इसको गरम करके शुगर सिरप बना लेना होगा। हमें यहाँ पे कोई 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं चाहिए, जब तक चाशनी चिकना ना हो जाए तब तक हमें उबालना देना होगा। अभी मैं इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ, मिला लेती हूँ, थोड़ा सा सैफरन ऐड कर रही हूँ, अभी मैं मिला लेती हूँ। ये देखिए हमारा चाशनी बनके एकदम रेडी है। हमें यहाँ पे कोई गाढ़ा चाशनी नहीं चाहिए, जब चीनी अच्छे से घुल जाए पानी के साथ और थोड़े टाइम बॉयल आ जाए तब आप गैस को बंद कर दीजिए। अभी यहाँ पे 15 मिनट हो गया है, मैं ढक्कन को हटा लेती हूँ। ये देखिए हमारा बैटर एकदम रेडी है मालपुए बनाने के लिए। हमें इसी कंसिस्टेंसी का बैटर चाहिए। अगर आपका बैटर ज्यादा थिक हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने यहाँ पे एक पैन में ऑयल दे दिया है और 2 टेबलस्पून जैसा घी ऐड किया है, ये होममेड घी है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी मैं घी को मेल्ट होने देती हूँ और ऑयल को गर्म कर लेती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुके हैं, अभी मैं इसमें बैटर को डाल रही हूँ धीरे धीरे करके। अभी इसके ऊपर से आप थोड़ा थोड़ा करके तेल दे दीजिए ऊपर से। देखिए कितना बढ़िया हो चुके हैं हमारे मालपुए। ऐसे करके मैं दूसरे साइड में भी दे देती हूँ, मालपुए भी हमारे अच्छे से फूल गए। ये देखिए मालपुए हमारे एक साइज से हो गए, जो पहले दिया था उसको मैं पलट देती हूँ। मालपुए हमारे दोनों साइज से अच्छे से हो गए, अभी मैं इसको उठा लेती हूँ। अभी मैं इस गुनगुने चाशनी में मालपुए को डाल दूंगी, डाल के मैं 5 मिनट के लिए इसको इस चाशनी में डीप होने देती हूँ। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, अभी मैं मालपुए को चाशनी से उठा के प्लेट में निकाल लेती हूँ। मैंने मालपुए को निकाल लिया है प्लेट में, अभी मैं इसके ऊपर थोड़ा सा आलमंड दे
रही हूँ। थोड़ा सा पीसते। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आप भी एक बार इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिए और बताइए मुझे आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के लिए मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ।